कि आपको पता है इंडिया में जाओ 40,000 की शॉपिंग करो ना, अगले भाई आपको चाय समोसे कोक सब कुछ पिलाते हैं। बाहर तक सी ऑफ करने आते हैं कि भाई यार डिलीवरी जरूर आना, अगले ने भाई पूछा तक नहीं कुछ, मेरे को पानी नहीं पूछा उन्होंने, 40,000 की शॉपिंग करके जा रहा हूँ। इन्फ्लेशन है यार, बहुत इन्फ्लेशन है, ऐसे ही करते ना ये सोशल मीडिया वाले, कोई ना भाई कर लो भाई, अगर उन्होंने पानी नहीं पूछा मेरे को भाई पानी तो पी लो, पानी नहीं पिलाया यार उन्होंने, 40,000 की शॉपिंग जिसको बोलते हैं भाई दुकान। भाई कटिंग वगैरह आपको बताइए करवा ली थी हमने, और सीधा घर आके नहा धो के भाई अब रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं थोड़ा होम डिपो जाना था अपने, आपको बताइए पिकअप अपना खड़ा है, बाकी जाएंगे थोड़ा बहुत सामान उठाना है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो भी सीन बनता है आपके साथ ही है भाई। कटिंग देखो क्या ही हो गया भाई, नहाने से पहले अच्छी लग रही थी, नहा के सीने लग गई हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी है अब है, थोड़ी देर में आ जाएंगे बाल और क्या। बाकी ऐसा ही था भाई अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस कटिंग का कैनेडा में, लेकिन भाई अभी बिना टाइम पास के ना चलते हैं सीधा जाके काम वगैरह करते हैं, काम जरूरी है। ऐसा लग रहा है उतर के जब नीचे उतर जाना बंदा तो ऐसा लग रहा है पिक्का, मतलब बाहर से ऐसा है, आए कहीं नहीं है भाई, पास में डिपो है वहाँ है, डिपो है भाई वहाँ पर, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का सामान उठाना था घर पर, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी थोड़ी, तो चल मैंने कहा मैं आ जाऊँ, मेरी हेल्प लग जाती ना, क्योंकि भाई इंसान चाहिए जो थोड़ा भारी भरकम सामान उठा पाए, क्योंकि भारी भरकम सामान सिर्फ तुम्हारा भाई उठा सकता है, आपको मालूम ही है, बाकी में दम नहीं है इतना, तो भाई आपको उठाएगा भारी भरकम सामान, और क्या भाई पीछे देखो बादल देखो डिपो देखो भाई, वो चीज़ें ना ये हार्डवेयर वोडवेयर की दुकान है, ये देखो भाई इधर सब कुछ खुद ही मतलब उठाना पड़ेगा आपको आके, ये देखो ये क्या रखे हुए हैं, अपने को तो पता नहीं जो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं उनको शायद बताओ, अपने से तो एक नहीं उठना भाई, काम कैसे करेंगे कनाडा में, ये क्या चीज़ है, ये है क्या मेरी जान भाई, अगर गिर गया ना अपने पेटे पड़ जाना है सारा कुछ। बाकी बढ़िया लग रहा है मेरे को देखने में, तो शॉपिंग मॉल से कम नहीं लग रहा। देखो ये है अपना ड्राई वॉल, ठीक है वो तो है सो जो है ना, लेकिन भाई चीज़ वो नहीं आपको दिखा रहा, मैं ये कह रहा हूँ मतलब खुद ही उठा के खुद रखने पड़ रहे हैं, जैसे इंडिया में जाते हैं दुकानदार दो बंदे लेके आता है अपने, वो उठाते हैं मजदूरी करते हैं, हमसे करवा रहे हैं भाई मजदूरी, पैसे भी हमसे मजदूरी भी हमसे, ये क्या चीज़ हुई भाई, कनाडा 20 लाख तेरे को इस चीज़ का दिया क्या, ये क्या ही हो रहा है जिंदगी, मैं कहता हूँ ना तो सभी हंसते हैं भाई इसलिए, ठीक है ना, या वन बॉक्स कहाँ रखना है भैया जी, कहाँ रखना है यहाँ पर, हाँ भाई अपने से एक नहीं उठ रहा कैसे करेंगे भाई कंस्ट्रक्शन का काम, या कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या उसका काम हो गया, अपने से नहीं होने वाला भाई, तो बस यही है मैं यही बताने जाता था आपको अपना सीन देख लो यार, मैं कसम से हैरान हूँ, चलो जो वो बातें छोड़ो लेकिन मैं हैरान हूँ भाई, ये कितनी बड़ी दुकान है भाई, दुकान नहीं कह सकते इसको, ये उन्होंने साफ लिखा हुआ है इधर ये साइज इधर है $64, ये भाई ये देखो सारे साइजेस लिखे हुए हैं, मतलब खुद ही उठाना पड़ेगा, इधर कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं आने वाला उठाने, जैसे वहाँ तो आता है, ये देखो ये चीज़ तो देखी होगी कभी ना कभी ज़िंदगी में भाई रेता बजरी वालों ने, ये तो देखी होगी भाई कभी ना कभी, बाकी चीज़ें तगड़ी तगड़ी हैं, ये क्या हाँ आज आपको फोकलिफ्ट दिखाते हैं, ये ऐसी होती है फोकलिफ्ट, ये खड़े होने वाली है, ये फोकलिफ्ट नहीं कह सकते इसको, आई थिंक ये खड़े होकर चलाने वाली है इसको, आई थिंक दूसरा कोई और नाम होता है इसका, वी कॉल दिस मशीन विस्ट्रा, या रिच्ट्रा, या और एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड फोकलिफ्ट, इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स ओनली द फोर्क्स, या यू सी इन देयर, इट्स इन द फोकलिफ्ट दे हैव लाइक लिटिल बिट बिगर फोर्क्स, little bit bigger forks, मतलब in this we have to stand and go, and in forklift we can go by sitting also, yeah that's right, you have to drive with the forklift, you have to drive in this as well but you have to stand up, ओके थैंक यू, तो भाई ये ऐसा चीज़ है जो भी आपको समझ आया मेरे को जो नहीं आया ठीक है ना, मतलब समझ गया बात यार, फोकलिफ्ट में बैठ के बंदा ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है बंदा ऐसे ठीक है झुक के, लेकिन इसमें खड़े होकर सारा काम करना पड़ता है, मेरे को लगता है आज का ब्लॉग मैं इसी में निकालने वाला हूँ सारा, तो बाकी कोई बात नहीं, चीज़ दिखाने वाली है, मैंने कहा सोचूं यार दिखाऊं, मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, मैं तो वैसे ही आया था, मैंने कहा चल गेड़ी में पिक्का में गेड़ी लगाएंगे, फिर मैंने कहा जा कहाँ रहे हैं, मैंने पूछा कहते भाई डिपो में जाना है थोड़ा सामान उठाना है घर पे काम चल रहा है, मैं ठीक है एडिटिंग कर रहा था मैं बैठा हुआ, मैंने कहा चलो यार मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, बाकी ये देख लो ये लकड़ियां हैं, ऐसी लकड़ियां भाई याद है जब लोहड़ी होती थी तब बालते थे घर में, ऐसी तो नहीं वो ऐसी होती थी, ये देखो ऐसी वाली होती थी, ऐसी वाली इधर भाई सब कुछ खुद ही उठाना पड़ रहा है, लेकिन इतना बड़ा है भाई इतना बड़ा सोच नहीं सकते भाई आप, चलो कोई बात नहीं भाई धीरे धीरे आए हैं कनाडा के रंग पता चल रहे हैं धीरे धीरे, मतलब बंदे को सारा कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट हुआ बड़ा बंदा इधर, मतलब खुद सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस है इधर, इंडिपेंडेंस कंट्री भी इंडिपेंडेंट बंदा भी इंडिपेंडेंट हुआ, ये देखो अपना सामान रखा है पीछे सारा, ये मैंने उठाया ये तो चलो उन्होंने उठाया, वो कहते भाई तू उठाएगा तो तेरे को बाद में उठाना पड़ेगा किसी बंदे को, तू रहने दे कहते रहने दे भाई तू नया नया आया ब्लॉग ना, तो बाकी ये क्या ये नहीं मैंने देखी, बस बिजी हो गया था ना मैं भाई ब्लॉग बनाने में,
बाकी होम इम्प्रूवमेंट लैडर लीडर चीज़ें तगड़ी तगड़ी हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन बताता हूँ, ये अपना ब्रैम्पटन ट्रिनिटी कॉमन्स मॉल है। बाकी बस यार मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही इनकी, मेरे को तो पता भी नहीं क्या है भाई, सीधी बात मैं बस दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ और क्या। बाकी इतना बड़ा वेयर हाउस ही लग रहा है मेरे को तो भाई देखने में। इसमें अगर मेरे को काम पे लगा दी तो भाई तो मैं तो घर आ जाऊँगा, घर आके रोटी खाऊँगा आराम से। देखो भाई भारी सामान है, अपना भारी सामान नहीं करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे ज़िंदगी में। ये देखो भाई ये 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 डोर्स क्लीनिंग मतलब एरो डाले हुए सब, ये मॉडलिंग ये क्या है भाई मार्सरी एरो डाले हुए सारे लंबर ऐसा वैसा मतलब रूफिंग इंस्टॉलेशन कटिंग सेंटर क्या ही चीज़ें हुई बढ़िया। ये ग्लव्स भी रखे हुए हैं, जो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से सेफ्टी सुफ्टी वाले, वर्क ग्लव्स लिया है, वर्क ग्लव्स यही चीज़ है भाई ज़िंदगी में। अब यही चीज़ें दिखाएंगे आपको। ये क्या लग रहा है, ये सफाई करने लग रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मतलब सब कुछ रखा हुआ है, खुद उठाना पड़ेगा बस, मेन चीज़ इनकी यही है, खुद उठाओ और लगो काम, खुद उठाओ और करो काम खुद ही भाई और क्या। अक्की भाई हंसी मजाक अपनी जगह, एक सीरियस बात बता रहा हूँ, मेरे को ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि मतलब लकड़ियाँ भी इतनी टाइप की होती हैं। टाइप तो नहीं कहेंगे, ये अलग सा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऊपर तक रखे हैं भाई। ये फोकलिफ्ट से निकाल के देगा बंदा कोई अगर आपको चाहिए हो तो। बाकी ये लकड़ियाँ बड़ी हुई हैं, बंदे आ रहे हैं देख ही जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल समझा हुआ लोगों ने। चलो कोई बात भाई, कुछ लोग हंसेंगे मेरे मजाक उड़ाएंगे कि भाई क्या ही कर रहा है, लेकिन ये शॉकिंग था मेरे लिए, आपके लिए है कि नहीं है, मतलब शॉकिंग इन द सेंस कि अपना आप उठा के मतलब सामान रखना पड़ रहा है खुद, ये शॉकिंग था। बाकी ये बड़े बड़े होते हैं वेयर हाउस, बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा और इतने ज़्यादा एरिया में बने होते हैं और सामान इतना ज़्यादा पड़ा होता है, वो तो चलो मेरे को पता था इंडिया में देखा दुखा है, ये चीज़ें नहीं देखी भाई इंडिया में। मतलब दिखाते हैं लोग ये वेयर हाउस दिखाते हैं बड़ा, लेकिन ये नहीं दिखाते कि भाई ये अगर ये लकड़ी उठानी है तो खुद उठानी पड़ेगी अपने हाथों से, अपने इन मुलायम हाथों से, जिनको मैं अपना मुलायम हाथ समझता हूँ भाई, मुलायम बच्चा हूँ भाई मैं तो यार। क्या हो गया कैनेडा में, सीन हो गया भाई, तगड़ा सीन हो गया कैनेडा में। मतलब ठीक है जो भी है, मतलब कैनेडियंस भी भाई यही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि अकेले इमिग्रेंट्स कर रहे हैं, मतलब हर बंदा ना अपने आप भाई डिपेंडेंट, अपने आप डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे इंडिया में क्या होता है आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी भाई इफ़ यू आर वरीड कि यहाँ पर मैंने क्या लगाया, भाई दवाई लगी हुई है, यहाँ पर भी दवाई लगी हुई है, ये देखो दाने देखो भाई दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं। ये होता है जब दुबई में जाओ आप गर्मी में, ठीक है, अब ये दुबई में हुए हैं, कब हुए हैं, दुबई से पहले तो नहीं थे, इतना पक्का पता। ये देखो यार इतने ज़्यादा दाने हैं, मैं बता नहीं सकता आपको क्या हो रहा है मेरे साथ। बाकी किसी को कोई दवाई वगैरह बताओ तो बताना यार, लोग तो कहते हैं ना लो भाई दवाई, ऐसे ही मुँह दो ठीक हो जाएगा। बाकी जो भी सीन बनता है आपके साथ ही है भाई, जल्दी जल्दी ठीक करवा दो बस कॉलेज खुलने से पहले पहले, ताकि आपकी भाई स्टार फीस आपको पता है। भाई बिल तो बताऊंगा आपको कितना आया, बिल कितने डॉलर्स का बनता है देखते हैं। ये सामान अभी तक तो बाकी भी ढूंढने गए हैं सामान, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैंने कहा आपको पता है यार मैं कहाँ उठा पाऊँगा ये सब, इसलिए कहता हूँ जिम करो, जिम जाओ, जिम जाओ, रील देखी ना बोली जिम जाओ। मोटा खर्चा होगा भाई कैनेडा में, मोटा खर्चा ये होगा, कम से कम 30,000 का सामान तो होगा, 30,000 का बिल बना के निकलेंगे आज तो। ये देखो भाई ये भी देख लो, विंडोज भी देख लो कैसी होती हैं, कितने की है, इतने की 925 की, 921 की। ओ भाई क्या है ये, अच्छा इंजॉय, ये डिस्काउंट है भाई, है लेकिन 921 की, कमाल है भाई, है तो सही लग रही है। तो भाई इससे पहले लोग मेरे को गाली दे कमेंट सेक्शन में, मैं अब कर रहा हूँ भाई व्लॉग थोड़ी देर के लिए बंद, बिल दिखाऊंगा बस आपको कितना आया, उसके बाद घर जाएंगे, पिक्के में लोड सामान करेंगे और निकलेंगे घर, बस सीधा बिल ही दिखाऊंगा। तो भाई बिलिंग शुरू है, आपको बिल दिखाते हैं कितना आता है। ये देख लो भाई 660 का बिल हो रहा है, 660 लगा लो अपने कितने हो गए इंडिया के, अगर 660 मेरे हिसाब से 40,000 हो गए इंडिया में, 40,000 की शॉपिंग करो ना अगले भाई चाय समोसा सब कुछ खिला के भेजते हैं भाई। अगर मैंने पानी नहीं पूछा मेरे को भाई, पानी तो पी लो, पानी नहीं पिलाया यार उन्होंने, 40,000 की शॉपिंग जिसको बोलते हैं भाई, दुकानदार पागल रहता है इंडिया में अगर 40,000 की शॉपिंग करके जाएं, वो भी शॉपिंग नहीं भाई कंस्ट्रक्शन का सामान कह रहा हूँ मैं यार, क्या कमाल है यार 40,000 इंडिया के हिसाब से। बाकी मौसम देखो, हाँ सनसेट प्यारा होना आज, पक्की बात दिखा के ले लो, सनसेट बहुत बढ़िया होना आज। तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं भाई, अपना हो लगे $660 अभी, ये तो सिर्फ आज का है, कल भी आए थे हम, कल का मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा क्यों आपको बोर करना है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था भाई कि ऐसा होता है। ये देखो कितना बड़ा है, लोडिंग जोन, टूल रेंटल, ये चीज़ें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ए से लेके जेड तक। बाकी आपको पता है इंडिया में जाओ 40,000 की शॉपिंग करो ना, अगले भाई आपको चाय समोसे कोक सब कुछ पिलाते हैं, बाहर तक सी ऑफ करने आते हैं कि भाई यार डिलीवरी जरूर आना, अगले ने भाई पूछा था नहीं कुछ, मेरे को पानी नहीं पूछा उन्होंने, 40,000 की शॉपिंग करके जा रहा हूँ। This is how you go home when you have picked and you take $660 by $660.
मेरे को रोना आ रहा है भाई, घर नहीं लेना, मैंने घर लेना ही नहीं भाई, इधर लेना ही नहीं कैनेडा में भाई, बहुत इन्फ्लेशन है यार, बहुत इन्फ्लेशन है। ऐसे ही करते ना ये सोशल मीडिया वाले, कोई ना भाई कर लो ऐसे कर लो, कोई डीमोटिवेट मत करो यार किसी को। बाकी सनसेट देखो, नेचर बहुत बढ़िया कैनेडा का, आ जाओ यार, जिसने आना है फ्लाइट पकड़ो जल्दी जल्दी आओ, $660 आग लगाओ, पानी भी नहीं पूछेंगे भाई वो आपको। इंडिया में आपको पता चाय समोसा सब कुछ मिलता है, $660 खर्चे दो तो कि चलो कोई बात नहीं, इधर है ही नहीं भाई कुछ, क्या कर सकते हैं। मेरा मूड ख़राब हो गया, अब चलते हैं घर। तो ठीक है भाई यार, ब्लॉग एंड कर रहा हूँ मैं, बस मेरा मूड ख़राब हो गया इतना पैसा खर्च के फूक के, मेरे नहीं लगे हालांकि, लेकिन फिर भी भाई पैसा तो पैसा होता है। बस गाड़ी आपको अंदर से दिखाई मैंने कि नहीं, गाड़ी तगड़ी भाई की, ये मेरी नहीं है भाई, आपको बताता हूँ किसकी है, कोई कंस्ट्रक्शन वाला है भाई उसकी है भाई, अपनी नहीं है। बाकी ये देखो ये म्यूजिक सिस्टम है, ये पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल डी, बाकी हॉर्न सुनाऊं आपको, ये हॉर्न तगड़ा लगा है भाई ने, भाई हॉर्न नहीं बजता, मैं तरस गया हूँ हॉर्न सुनने के लिए, इधर ब्रैम्पटन में हॉर्न नहीं बजा मैंने आज तक, नहीं देखा हॉर्न बजते हुए किसी का ब्रैम्पटन में, फिर चलो एक आधा बंदा मार देता है, बाकी कहीं और तो नहीं बजा। ये तुम्हारा भाई है पर्सनैलिटी भाई की कि नहीं, सारी पर्सनैलिटी उठ गई वैसे, कटिंग करा के दाढ़ी ठीक लग गई लेकिन। चलो बस यार अब ब्लॉग बंद कर रहा हूँ मैं, तो भाई मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, अपना आउटरो तो दूंगा यार चाहे जितना मर्जी उदास हूँ, बाकी उदास वाली कोई बात नहीं यार, हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन फिर भी यार चलो कोई बात नहीं है, इधर कोई चीज़ें हैं थोड़ी स्ट्रेंज लगती हैं जो, बाकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अपने को टाइम थोड़ा ही हुआ है। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, यार बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ इतने टाइम बाद गाड़ी में ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, गाड़ी नहीं चलाई कितना टाइम हो गया, महीना हो गया आई गेस, ऑलमोस्ट महीने से ऊपर शायद मे भी, क्योंकि दुबई भी घूम के आए ना। बाकी चलो यार अब ब्लॉग करते हैं एंड, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, लाइक करना शेयर करना, और कल शायद आपको बढ़िया चीज़ घुमाऊँ शायद, ये पक्का कुछ नहीं पता, टाइम से उठ गए तो जाएंगे, सीए नहीं जाना है भाई, मुंह पे बताता हूँ आपको मैं, सीए नहीं जाना है मैंने, बाकी उठा टाइम से तो जाएंगे, बाकी कल मिलते हैं। ये क्या भाई जैन वाली फीलिंग दी, रॉ फीलिंग दी पूरी, वो उठ जा भाई, अरे अपने पास ताकत ही नहीं है, लो कमज़ोर होगा तुम्हारा भाई यार कैनेडा में लेबर करके, लेबर भाई नहीं करूँगा देख लेना, मेरे वर्ड्स मार्क कर लो बस, लेबर्स नहीं करेगा तुम्हारा भाई, लेबर नहीं करेगा, करेगा तो फिर कर लेंगे और क्या। बाकी यार मिलते हैं अगले लोग में, बाय बाय, अभी आप भी थक गए होगे, मेरी दिमाग खराब हो गया आपका भी, कि क्या बोल रहे हैं अंशुल, क्या बोल रहा है, ये उतरने के लिए है, उतर तो दिखाऊंगा आपको मैं। तो बस यार अब मिलता हूँ अगले लोग में, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, तभी मिलते हैं अगले लोग में। बाकी जिन्होंने स्किप कर दिया ब्लॉग कर दिया उनको नहीं पता लगा पूरा भी, बाकी जिन्होंने नहीं किया मैं उनको भाई हैट्स ऑफ करूंगा उनकी पेशेंस को, कि आपने मेरे साथ अपना दिमाग खपाया आज, मैंने बस मस्ती वाला लोग बनाया आज, चिल लाइफ की पूरी चिल जी आऊँ आज मैं, ठीक है ना। बाकी यही था सीन अपना, टिक्का बढ़िया लगता है देखने में, लेकिन ये वही बंदे रह सकते हैं जिनका पीछे काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है भाई का, भाई पता नहीं कौन सी कंट्री से, उन्हें पूछा ही आज तक, ऑन ही छोड़ा हो, अगले परवाह नहीं है अगले को, उसको पता भाई दिहाड़ी बूटी है, ये देखो ऑन छोड़ा हो भाई ने। बाकी चलो आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाद में तो बाय बाय, शेयर कर देना। Savannah,